तो अभी प्रश्न नहीं ले सकते, आपने आशीर्वाद देना तो दे दो। प्रभु जी सिर्फ एक ही चीज मेरे को आपसे एक शॉर्ट में बस आंसर चाहिए अच्छा कि आपने सिर्फ ये बोला था कि जैसे नाग के उसने नाग को कहा काटो मत, जैसे आप बोला आपने ये सभी हाँ लेक्चर में कहा है, सिर्फ आप अपना अपना फन दिखाते रहो और डराते रहो। हाँ तो प्रभु जी मतलब क्या हमारे को ऐसी इमेज बना लेनी चाहिए कि लोग वैसे ही डरे लेकिन हम गुस्सा ना करें? हाँ मतलब ऐसा लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि इसके सिर पे पैर रख के चले जाएंगे, कुछ करेगा ही नहीं, फिर तो लोग आपको बहुत नुकसान देंगे। एक जो भौतिक समाज है उसमें आपके प्रति एक मिस्ट्री, एक रहस्य जरूर होना चाहिए कि आप पता नहीं क्या कर देगा इससे, भाई इसको छेड़ते नहीं है। भक्तों के समाज में पूरा आपका जो वास्तविक सरल हृदय है वो भक्तों के समाज में दिखाओ, भौतिक समाज में तो लोगों को ऐसे व्यवहार करो कि लोग सोचते रहे यार पता नहीं कैसा आदमी है कैसा नहीं है, इससे तो भाई बच के रहने में भलाई है। थोड़ा सा बस यही होता है कि मतलब जैसे अभी ध्रुव महाराज का सुना उनको, मतलब स्वयंभू महाराज ने कहा कि मनु महाराज ने कि आपको ये ऐसे क्रोध करना शोभा नहीं होता देता, तो हाँ मतलब एक तरफ की सिचुएशन एक है, एक तरफ की सिचुएशन दूसरी है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हाँ हो रहा था कि किस तरीके आप से क्रोध बोलेंगे को, हम लोग। क्रोध को आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन क्रोधित हो नहीं सकते, इसका मतलब है बनावटी गुस्सा दिखाते रहो। जैसे बच्चे हैं आपके घर में, जैसे बच्चे हैं आपके, आप बच्चे अगर ठीक से पढ़ नहीं रहे या ठीक से शरारत कर रहे हैं, पीट दो उनको, उठाओ दो थप्पड़ लगा दो उनको, अपने आप ठिकाने आ जाएंगे उनके होश। अगर आप उनके पैर पकड़ के उनको बोलोगे हे प्रभु प्लीज आप ठीक से व्यवहार करो, वो तो आपके कपड़े फाड़ देंगे वो। बच्चों को तो पीट के काम चलेगा ना, तब बात बनेगी। मतलब सब प्रभु जी आप ये कह रहे हो कि इंटरनली गुस्सा नहीं करना हाँ चाहिए, इंटरनली गुस्सा मत करो, ऊपर से तो भाई बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहाँ थोड़ा पर, सा। हाँ जहाँ पे गुस्सा करने की बात है वहाँ पे गुस्सा दिखा दो, अंदर से शांत रहो बस। ठीक है इसको यहीं पे विराम देते हैं। प्रभु जी जी हरे जी कृष्णा, प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी 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 हमारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, वो कह रहे हैं पता लग गया इन्होंने बिगाड़ा प्रभु जी को। अरे फल में आया बंदा मिल नहीं रहा था, कह रहे बंदा मिल नहीं रहा था मिल गया। अरे मैं आपको बताऊं, एक बार मैं ऐसे ही वो छोटा सा था, मैं 12-13 साल का हूँगा, नहीं उस शायद 10-11 साल का होऊंगा, उसमें शाही की दवातें चला करती थी, वो पेन चला करते थे, तो वो शाही की दवात गिर गई, मैंने नहीं गिराई थी और वो गिर गई, सारी शाही फैल गई। और मेरे डैडी घर में आए, उन्होंने कहा यार सारी शाही गिरा दी तुमने, उन्होंने आए और उन्होंने मेरे को पीट दिया। तो मैंने कहा मैंने नहीं गिराई, मैंने नहीं गिराई, और रोता जा रहा हूँ मैं, वो मुझे पीटते जा रहे हैं। और इतने मेरी मम्मी है, उन्होंने बोला मेरे से गिर गई थी। तो अब मैंने अपने डैडी की तरफ देखा कि भाई अब देखता हूँ क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जा जा जाके मुंह धो ले। बस बात खत्म हो गई। बेकार में पिटाई हो गई मेरी। मैं ये सोचता था कि यार वो आने वाले हैं भाई, सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तो अब तो चलो वो वाले टाइम नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग खुद ही बच्चों को सिर पे चढ़ा लेते हैं और फिर सोचते हैं यार ये व्यवहार ठीक कर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको पीटने में, एक आध बीच में उनका बिना सेब के मुंह लाल करने में कोई हर्ज नहीं है, वैसे ऐसी बात नहीं है। ठीक है ये तो बहुत खतरनाक आते जाते धरते रहो। अरे भैया बड़ी अच्छी सलाह दी है प्रभु जी आपने, देखो प्रेम दिखाना माँ का काम है, पिता का काम है भैया डांट डपट के रखो। अगर बाप भी माँ का काम करेगा तो फिर बाप का काम कौन करेगा?
ये बात है। इसीलिए तो जैसे हम लोग जिद ही नहीं करते थे कभी किसी चीज़ के लिए, मिल गई नहीं तो चुप करके बैठे रहते। आज तो आसमान सिर पे उठा लेते हैं बच्चे, क्योंकि माँ तो प्यार कर ही रही है, बाप भी प्यार करने में लग रहा है, तो बच्चे को धमकाएगा कौन, उनको कौन उनको समझाएगा उनको? नहीं तो जी कई बार दो तीन भाई बहन होते हैं तो उसमें बाकी दो को डराने के लिए कई बार एक को पकड़ लेते हैं, उसको पीट देते हैं, बाकी दो डर जाते हैं। हाँ कई बार ऐसे भी करना पड़ता है, एक को पीट दो, दो बाकी दोनों अपने आप शांत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय।